बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है जी आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं जी। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और पाकिस्तान वालों की कल ईद होगी तो उनको एडवांस में ईद मुबारक। रूहान बेटे आराम से बैठो। तो जी बस अभी हम लोग तैयार शैयार होके बैठे हैं क्योंकि हस्बैंड गए हुए हैं बकरा लेके करवा के लेके आएंगे कुर्बानी, क्योंकि घर पे यहाँ पे तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि बकरा कर सकें। तो फिर वो मार्केट से लेके वहीं पे मंडी गए थे, वहीं से लेके करवा के स्लॉटर हाउस से तो घर ले आएंगे। तो हम लोग बस अभी रेडी थे, मैंने मीठा वगैरह बना के रख दिया था और साथ में सारा चीज़ें रेडी कर दी थी, प्याज वगैरह और टमाटर ये सारी चीज़ें काट वाट के ना मैंने रख दी हैं किचन में कि चलें जब आएँगे तो ताकि मेरा काम जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और फिर मैं फटाफट जो है ना बनाना शुरू कर दूँगी खाना। तो बस अभी मैं वेट कर रही हूँ, उनका आते हैं तो फिर मैं हंडिया बनाती हूँ किचन में जाके। अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड गए थे बकरा मंडी तो उन्होंने वहाँ से मुझे क्लिप बना के भेजा था, तो इस किस्म का बकरा उन्होंने लिया था। और साथ में गए थे सूडानी बकरे भी थे। हमने एक बार ना तकरीबन 2 साल पहले सूडानी बकरा गलती से ले लिया था, लेकिन उसका जो गोश्त होता ना वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं होता। तो लास्ट ईयर भी फिर हमने इसी किस्म का बकरा लिया था और इस बार भी फिर जो है ना यही वाला इन्होंने वाइट कलर का बकरा लिया था। तो वहाँ पे बस उन्होंने जो है ना ज़िबा करके उसके बड़े बड़े 4-5 पीसेस करके ना तो दे दिए थे, तो फिर बाकी का जो है ना घर आके सारा खुद बनाया इन्होंने बैठ के और सारा उसको मतलब छोटा छोटा काटा। तो उसके बाद फिर मैंने किचन में आके अपना काम संभाल लिया। कलेजी मैंने ऑलरेडी बना दी है और साथ में ये मटन भी बन रहा है, कोरमा टाइप ही बस बना रही हूँ। तो इसके बाद जो है बस ये तकरीबन रेडी हो गया है, बस इसमें जो है ना अब थोड़ी सी भुनाई करनी है इसकी और उसके बाद इसमें जो है बस धनिया शनिया डाल के तो खाना खा लेंगे। बहुत भूख लग रही थी तो यहाँ पे रूहान को मैंने खेलने के लिए लगाया हुआ था। बेचारा ना आज इसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था इसको फ्लू हो रहा है। रात में ना हल्का हल्का सा फील हो रहा था तो मुझे लगा कि भाई ईद के दिन इसकी तबीयत ख़राब हो जानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है तो फ्लू भी काफ़ी हद तक इसका ठीक ही है। तो वरना मुझे रात में डाउट हो रहा था कि इसको कहीं बुखार ना हो जाए या फिर इसकी तबीयत ना ईद वाले दिन ख़राब हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इसको खाना वाना खिला के फिर मैंने इसको बिठा दिया कि आप जो है ना यहाँ पे बैठो और खेलो। तो अब आराम से सुकून से बैठा हुआ है और मैं किचन में अपना जो है ना काम फिर सुकून से मैंने भी कर लिया। तो जी बस यहाँ पे खाना जो है मेरा रेडी हो गया था और इस वक्त तकरीबन मगरिब की अज़ान हो गई, तो नमाज़ पढ़ के फिर अब हम लोग खाना खा रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि बकरा जो है ना काफ़ी गए तो सुबह के थे लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, फिर काफ़ी लेट इनका नंबर आया तो फिर इसी चक्कर में बस काफ़ी लेट हो गया खाना। अभी हम लोग ये दोपहर और रात का खाना हमारा एक साथ ही इकट्ठा हो गया, तो इसमें बस मैंने वही जो मटन बनाया था कोरमा टाइप और साथ में कलेजी थी और मीठे में कस्टर्ड बना लिया था, फ्रूट कस्टर्ड बनाया था। तो जी बस यही है, मैंने थोड़ी सी रोटी खाई क्योंकि हमेशा ना ऐसे ही होता है कि ईद पे फिर अजीब सा मतलब तबीयत हो जाती है, तो मैंने जस्ट ना आधी रोटी सिर्फ ली और साथ में थोड़ी कलेजी और वो बोटियाँ खा ली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना हम लोगों ने लीमू पानी पिया, बाद में कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट रहा। लीमू पानी इसका जो है ना विदाउट चीनी जो है वो बनाया था, जस्ट नमक डाल के और लीमू डाल के एक एक ग्लास ना फिर हम लोगों ने पिया, तो इससे काफ़ी मतलब ना तबीयत बड़ी सेट रही और किसी किस्म की मतलब डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मतलब रहा और मैंने तो अब सोच लिया कि नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा हो ना कुछ भी मतलब हैवी खाओ तो उसके बाद लीमू पानी जो है ना ये सबको लाजमी पीना चाहिए, बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद रहता है। अच्छा जी, बस इसके बाद मैंने अपना ना जो भी गोश्त वगैरह था वो नेबर्स में तकसीम करना था और एक दो मतलब जानने वाले थे उनकी तरफ भिजवा दिया था, तो बस सारा समेट के ना और क्लीनिंग वगैरह फिर मैंने करके तो उसके बाद ना अब फ्री होके तो चाय जो है मैं पीने लगी हूँ क्योंकि थक जाता है बंदा और फिर काफ़ी लेट हो गया था। लीमू पानी वगैरह पी के तो उसके बाद काफ़ी ना सुकून रहा, तो अभी मैंने सोचा कि ना चाय बना लूँ और साथ में बस अब फ्री हूँ मतलब कुछ नहीं करना, बस चाय वाय पियेंगे और टीवी शीवी देखेंगे, उसके बाद जो है बस सो जाएंगे। तो बस आज की रूटीन मेरी जो है ना बस यही थी, कोई ख़ास मसरूफियत नहीं थी, सुबह से उठ के बस काम शाम किए और उसके बाद जो है बस अब शाम में बिल्कुल फ्री हैं और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि एक फ्रेंड रह गई है उसकी तरफ जाएंगे, उसको गोश्त दे के आएंगे और बाहर थोड़ा बहुत घूम फिर आएंगे। तो जी बस यहाँ पे मैं अब अपनी चाय इंजॉय करती हूँ क्योंकि काफ़ी थक गए, सुबह से उठी हुई थी तकरीबन मैं 4:30 बजे की उठी हुई हूँ, उसके बाद फिर बिल्कुल भी नहीं सो सकी, काम वाम करती रही सारा दिन। तो बस अब चाय पीऊँगी, रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और फिर हम लोग बाहर निकल जाएंगे।
तो आज का जो है व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आपसे इंशाल्लाह मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।